नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है बिहारी न्यूज में। आगे बढ़ने से पहले युवाओं के लिए एक खुशखबरी, हम हर रोज टॉप 5 रोजगार समाचार आपके लिए लेकर आते हैं। इसको सुनने के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल GOVPVT को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे द्वारा जारी किए गए सभी अपडेट्स तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमारे GOVPVT यूट्यूब चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार के जिलों में जल्द ही शुरू किया जाएगा जमीन का सर्वे, जिसके लिए बिहार सरकार ने अब तक 20 जिलों की सूची तैयार की है। इतना ही नहीं, सर्वे के लिए भूमि एवं राजस्व विभाग ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। खबरों की माने तो बिहार सरकार ने जमीन के सर्वेक्षण के लिए बड़ी संख्या में कर्मियों की बहाली करवाई है, जिसके तहत कुल मिलाकर 7,437 पद पर बहाली भी करवाई गई है, जिसके प्रशिक्षण का काम अगले महीने से शुरू करवा दिया जाएगा। पंचायती राज बिहार ने ऑडिटर पद के लिए निकाली रिक्तियां। बिहार के पंचायती राज विभाग ने 373 ऑडिटर पद के लिए आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास ऑडिटिंग अनुभव के साथ संबंधित क्षेत्र में डिग्री होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28 फरवरी तक www.biharprd.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। NSIT बिहटा के छात्रों ने जड़ से फसल निकालने वाले उपकरण का किया निर्माण। नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मैकेनिकल के छात्रों ने अपने कारनामों से जड़ से फसल निकालने के उपकरणों का निर्माण किया है, जिसके तहत अब हार्वेस्टिंग के दौरान खेतों में बची फसलों को जड़ से निकाला जा सकेगा। इससे किसानों के साथ साथ पर्यावरण को भी काफी फायदा मिलेगा। खबरों के अनुसार इस नए उपकरण को NSIT बिहटा के सौरभ अंकित पुष्पंजय ने डिजाइन किया है। राजगीर में एक बार फिर से बनाया जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय। खत्म हुए नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर एक बार फिर से राजगीर के पिलखी में नालंदा विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। आने वाले एक साल में भारतीयों के साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का भी सपना पूरा होने जा रहा है, जिसके तहत 455 एकड़ में बनने वाले इस नए नालंदा विश्वविद्यालय में एक बार फिर पूरी दुनिया में ज्ञान के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। बिहार के नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आया फैसला। सभी नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी, बिहार सरकार ने सभी नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विभिन्न जिलों में से नियोजित शिक्षकों के वेतन को तय करने पर सख्त रवैया अपनाते हुए यह साफ कर दिया है कि अब सभी शिक्षकों में एक समान ही वेतन दिया जाएगा। सरकार के फैसले के बाद अब किसी भी जिले के अधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी। नंद किशोर यादव ने 3 योजनाओं को दी मंजूरी। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने आम नागरिकों के लिए 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत उन्होंने 500 करोड़ की लागत में कारगिल चौक से NIT मोड़ तक एलिवेटेड सड़क बनाने का ऐलान किया है। साथ ही मीठापुर फ्लाईओवर से कंकड़बाग बाईपास तक 4-लेन एलिवेटेड सड़क बनाने और फाल्गु नदी पर पुल बनवाने का भी ऐलान किया है। BPSC पास करने के बाद भी इन दस्तावेजों की जांच होगी जरूरी। BPSC पास हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देश के अनुसार अब केवल BPSC पास करना ही अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट और स्नातक के अंक प्रमाण पत्र के साथ साथ 15 अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच करवानी होगी। जाँच के बाद ही अब अभ्यर्थियों को उनका नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी सरकारी स्कूल को दी सलाह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ पर्यावरण को दुरुस्त बनाए रखने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए, जिसके तहत उन्होंने सभी स्कूलों में महीने में एक दिन 1 घंटे के लिए पर्यावरण संबंधित संवाद करवाए जाने का आदेश दिया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरूक किया जा सके। शिक्षा विभाग ने स्नातक उत्तीर्ण छात्रों के लिए सुनाया अहम फैसला। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री स्नातक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने सभी लाभुकों के खाते में राशि ट्रांसफर करवाने का आदेश जारी किया है। खबरों की माने तो शिक्षा विभाग ने यह फैसला लाभुकों को राशि मिलने में हो रही देरी को देखते हुए किया है। आने वाले महीनों में पटना की सड़कों पर जाम की समस्या से मिलेगा निजात। आने वाले कुछ महीनों में पटना की कई बड़ी योजनाओं के पूरे होने की संभावनाएं जताई जा रही है। अगर सब कुछ सही चला तो आने वाले 3-4 महीनों में ट्रैफिक जाम की समस्या से आम नागरिकों को राहत मिल जाएगी, जिसके तहत बिहार सरकार दिन रात लगाकर लोहिया पथ चक्र, दीघा एम्स एलिवेटेड रोड, दीघा 6-लेन रोड और मीठापुर फ्लाईओवर को बनवाने का काम कर रही है, जिसके बन जाने से वाहनों के परिचालन में काफी ज्यादा सहूलियत होगी। कांग्रेस भी अब पोस्टर के खेल में हो गई है सक्रिय खिलाड़ी। बिहार की राजनीति में जारी पोस्टर के खेल में राजद और जदयू के अलावा अब कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, जिसके तहत कांग्रेस ने एक बार फिर अपना एक नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीर के साथ राज्य की NDA सरकार पर टिप्पणी करते हुए भाजपा और नीतीश कुमार के गठबंधन पर सवाल उठाया है। BSSC इंटर PT परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। अप्रैल महीने में होगा मुख्य परीक्षा का आयोजन।
बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने प्रथम इंटरस्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा के लिए 63,739 अभ्यर्थी क्वालिफाई घोषित किए गए। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची बीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.bssc.bih.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। वहीं मुख्य परीक्षा की बात करें तो विभाग ने मुख्य परीक्षा के आयोजन के लिए अप्रैल का महीना तय किया है। तेजस्वी के करोड़ों की गाड़ी का सच आया सामने। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हाईटेक रथ की सच्चाई सामने आ गई है। वहीं हाईटेक रथ जिस पर सवार होकर तेजस्वी यादव बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकलने वाले हैं। जदयू के मंत्री नीरज लाल ने हाल ही में तेजस्वी यादव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी का सच बताते हुए यह बताया है कि यह गाड़ी किसी मंगल पाल के नाम पर ली गई है जो कि बीपीएल श्रेणी से आते हैं, मगर इसमें नंबर राजद के पूर्व विधायक अनुरोध यादव का दिया गया है। जिस पर जदयू का यह सवाल है कि नाम और नंबर का इतना हेरफेर क्यों। एसटीईटी की कैंसिल की गई परीक्षाओं की नई तारीख हुई जारी। बिहार बोर्ड ने 4 सेंटरों की कैंसिल की गई माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की नई तिथि जारी कर दी है, जो कि अब 26 फरवरी को पटना जिला समिति के मुख्यालय स्थित परीक्षा केंद्र पर दो पालियों में आयोजित होगी। वहीं अभ्यर्थियों का नया एडमिट कार्ड 17 फरवरी से बोर्ड की वेबसाइट www.bscbstet2019.in पर डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ ही बिहार बोर्ड ने शुक्रवार को एसटीईटी 2019 की आंसर की जारी कर दी है। पेपर 1 और पेपर 2 के सभी 10 सेटों की आंसर की वेबसाइट bihar.online.com पर 15 से 18 फरवरी तक अपलोडेड रहेगी। 17 को बंद का आह्वान करने वाले सभी शिक्षकों की जा सकती है पद। सभी शिक्षक संगठनों द्वारा 17 फरवरी को बुलाए गए बंद को लेकर सरकार अब एक्टिव मोड में आ गई है। सरकार ने इन सभी शिक्षकों पर सख्ती से पेश आते हुए इन शिक्षकों को पद से हटाने की बात कही है, जिसके लिए बिहार सरकार ने मॉनिटरिंग टीम का गठन भी कर दिया है। सुशील मोदी ने कांवरिया पथ के विकास के लिए किया बड़ा ऐलान। राजधानी पटना स्थित मुख्य सचिवालय के सभागार में कला संस्कृति खेल व पर्यटन प्रक्षेत्र के लोगों के साथ उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को बजट पूर्व परिचर्चा की। इसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के 202.84 करोड़ की राशि से जैन कांवरिया व गांधी परिपथ के विकास को लेकर कई सारे काम किए जाएंगे। होली के दौरान पटना से पुणे के बीच चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन। होली के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेल प्रशासन ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन इलाहाबाद छिबक्की जबलपुर के रास्ते पटना व पुणे के बीच ट्रेन संख्या 03253 या 03254 पटना पुणे पटना स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जो कि 5 व 12 मार्च को पटना जंक्शन से सुबह 10 बजे खुलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 03256 व 13 मार्च को पुणे से रात्रि 8:45 पर खुलेगी। एक बार फिर बिहार में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस की नजर। बिहार में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों को हैंडहेल्ड मशीन के जरिए राशि ली जा रही है, जो कि अब आम नागरिकों को डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के अलावा पेटीएम से भरना होगा। सरकार के नए फैसले के अनुसार 15 फरवरी के बाद सूबे के सभी जिलों में मैनुअली रसीद अब नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, बार बार नियम का पालन न करने वालों को चिन्हित कर लाइसेंस कैंसिल करने की प्रक्रिया पर भी काम किया जा रहा है। अब चले बढ़ते मौसम के खबरों की ओर। ठंड से अब धीरे धीरे लोगों को राहत मिल रही है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में पछुआ हवा चलने के कारण कनकनी महसूस होगी, मगर धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिन भर धूप निकलने की संभावनाएं हैं, मगर कुछ जगहों पर बादल के छाने के कारण ठंड में इजाफा हो सकता है। आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 15 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 40,180 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 42,170 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 50,000 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 76.26 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 69.04 रुपए प्रति लीटर था। सिवान के 11वीं मस्जिद में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। 1798 और 99 के आसपास हजरत मखदूम हाजी अली अहमद शाह रहमत उल्लासी यहां से 7 बार पैदल मक्का मदीना हज करने के लिए गए। हर बार वे वहां से कुछ पवित्र चीज लेकर आए। अंतिम बार उन्होंने जो पवित्र चीज लाई उसका कुल योग मिलाकर 11 हुआ और तभी से इसे 11वीं मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं कि कश्मीर के हजरत बल के बाद 11वीं मस्जिद दूसरी ऐसी मस्जिद है जहां हजरत मोहम्मद से जुड़े महत्वपूर्ण चीजें मौजूद है। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रसून वाजपेयी की। प्रसून वाजपेयी का पूरा नाम पुण्य प्रसून वाजपेयी है। प्रसून वाजपेयी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 18 मार्च 1964 को हुआ था। प्रसून वाजपेयी एक एंकर, पत्रकार और एडिटर है। प्रसून वाजपेयी एक वक्त पर आज तक चैनल से जुड़े हुए थे। वाजपेयी को पत्रकारिता में 29 साल हो चुके हैं। प्रसून वाजपेयी ने अपने जीवन में अभी तक कुल मिलाकर 6 किताबें भी लिखी हैं। इतना ही नहीं, वर्तमान में प्रसून वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं।
रवि शास्त्री ने बताया कौन होगा मयंक के साथ टेस्ट मैच का ओपनर। भारतीय टीम इस समय में न्यूजीलैंड दौरे पर है, जहां टी20 सीरीज अपने नाम दर्ज करते हुए वनडे सीरीज हार चुकी है और अब बारी है दोनों टीम के बीच खेले जाने वाले दो दिवसीय टेस्ट मैच की। रोहित शर्मा के बाहर होने के बाद ओपनर बल्लेबाजों को ध्यान में रखते हुए रवि शास्त्री ने मयंक अग्रवाल के साथ शुभमन गिल या पृथ्वी शॉ में से किसी एक खिलाड़ी को मैदान में उतारने की बात कही। बिग बॉस के बाद स्वयंवर में दिखेंगे पारस और शहनाज। बिग बॉस के फिनाले के बाद अब पारस और शहनाज स्वयंवर करते नजर आने वाले, जिसके बाद हाल ही में दोनों के दूल्हा दुल्हन बने गेटअप में प्रोमो भी रिलीज किया गया, जहां इन दोनों के स्वयंवर को मुझसे शादी करोगे टाइटल दिया गया है, जो कि अब बिग बॉस के ही समय पर कल से यानी कि सोमवार से दिखाया जाएगा। CAA और NRC को लेकर पटना में एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे विपक्षी दल। CAA और NRC को लेकर पटना में सभी विपक्षी दल एक बार फिर से सड़कों पर उतरने वाले हैं। खबरों के अनुसार इस बार राजद, रालोसपा, हम के प्रमुख के अलावा इन सभी दलों के नेता के साथ साथ इमारतें शरिया भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आपको बताते चले कि इस बार सड़कों पर उतरने वालों में ये सभी दल अपनी यात्रा गांधी मैदान से शुरू करेंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा उनमें है विकास यादव, प्रकाश सिंह, फरियाद आलम, अमन कुमार, बाबूराम यदुवंशी, जामिल MDM, मोहम्मद इरफान शेख, किंग नर्स सिंह, गौतम यादव, सोनम भारती, अब्दुल हकीम, राजेश कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, नियोजित शिक्षकों द्वारा बुलाए गए बंद पर आपका क्या कहना है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।